हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनली जीएस। आज का हमारा टॉपिक है संसद यानी कि पार्लियामेंट। आज इस वीडियो में हम संसद से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे। और संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के तीन अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल से जानेंगे और राष्ट्रपति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो भारत की संसद है उसे अनुच्छेद 79 में दिया गया है और लोकसभा को अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में। अब हम जान लेते हैं संसद के बारे में डिटेल से। संसद को अनुच्छेद 79 में दिया गया है। भारत की संसद में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, या जो संसद की संसदीय प्रणाली है यह हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है। और संसद के तीन अंग होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद में दो सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद के भवन का निर्माण एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने किया था, यह भी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारतीय संसद में भाषण देने वाले कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो यह पहले राष्ट्रपति हैं डी आइजर हावर, जो भारत में आए थे 1959 में। जिमी कॉर्टर जो आए थे 1978 में। बिल क्लिंटन यह भारत आए थे 2000 में। और बराक ओबामा आए थे 2010 में। तो यह चार राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो भारत की संसद में जिन्होंने भाषण दिया है। आए तो बहुत सारे राष्ट्रपति हैं लेकिन भारत की संसद में सिर्फ यह चार राष्ट्रपति ने भाषण दिया है, तो यह इन्हें आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा भारत की संसद में तीन सत्र होते हैं संसद के। पहला है बजट सत्र, यह फरवरी से मई के बीच होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच। और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। तो यह सभी सत्र आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि संसद इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। मतलब कि एक साल में एक वर्ष के अंतर्गत कम से कम दो सत्र तो जरूर ही आयोजित होने चाहिए। अगर बजट सत्र आयोजित हो गया है, मानसून सत्र नहीं आयोजित होता है, तो उसके बाद में शीतकालीन सत्र का आयोजन जरूर किया जाना चाहिए। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के अन्य नाम देख लेते हैं। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थाई सदन, जनता का सदन, हाउस ऑफ पीपल और प्रथम सदन कहते हैं। यह सभी नाम लोकसभा के लिए हैं। और राज्यसभा के लिए उच्च सदन, स्थाई सदन, चर्चित लोगों का सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट और द्वितीय सदन। तो यह लोकसभा और राज्यसभा के डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यह सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में दिया गया है और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में। यहाँ पर हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे ताकि आपको याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। योग्यता देख लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, यह दोनों के लिए अनिवार्य है। लेकिन लोकसभा में यहाँ पर अंतर क्या दिया गया है? लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो यहाँ पर ये अंतर है, यह आपको ध्यान रखना है। और सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यह भी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वह पागल व दिवालिया ना हो। यह पागल है, वह भी पागल और दिवालिया ना हो, यह दोनों के लिए अनिवार्य है। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, यह ध्यान रखना है। और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता भाग लेती है लोकसभा के चुनाव में। और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें एमएलए विधायक भाग लेते हैं। और राज्यसभा में 2 वर्ष के पश्चात एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होता है, यानी 2 वर्षों के बाद में एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर एक तिहाई सदस्य नए चुने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है और अधिकतम संख्या कितनी है। तो लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 545 सदस्य वर्तमान में हैं। और इसमें से ये जो 7 सदस्य हैं यह पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व रखे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 543 सदस्य लिए जाते हैं और दो सदस्य एंग्लो इंडियन में लिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है 545 सदस्य में से 543 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं और दो सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए होते हैं। और यह केंद्र और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में भी 524 सदस्य राज्यों से आते हैं और 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो यह भी जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया है, ये प्रेजेंट टाइम में इतने इतने सदस्य राज्यसभा और लोकसभा से आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह अपडेट हुआ है कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात। एंग्लो इंडियन क्या होता है यह जान लीजिए। अगर कोई भी विदेशी पुरुष किसी भी भारतीय महिला से विवाह करता है तो उसके जो बच्चे होते हैं उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और यह एंग्लो इंडियन का जो ये दो सदस्य का नियुक्ति है, जो दो सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, इसे संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है आने वाले समय में अब एंग्लो इंडियन का चुनाव या उनकी नियुक्ति उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर अधिकतम सदस्य दिया गया है 552 हो सकते हैं, जिसमें से 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, दो एंग्लो इंडियन। अब इसे समाप्त कर दिया गया है संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत। तो इसके बाद में अब अधिकतम सदस्य कितने हो जाएंगे, तो अधिकतम सदस्य 550 हो जाएंगे और यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, जिसमें से ध्यान रखना है कि 7 सीटें जो होती हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व रखी गई हैं। और इसके बाद में हम लोकसभा स्पीकर के बारे में जान लेते हैं, या अध्यक्ष या स्पीकर, जिन्हें आर्टिकल 93 में दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो यह है ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन, जिसे आर्टिकल 108 के अंतर्गत आता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इसका जो आवाहन होता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर और पहली महिला अध्यक्ष हैं लोकसभा की मीरा कुमार। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह आर्टिकल 75 में दिया गया है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, तो यह सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम राज्यसभा के सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से वर्तमान समय में 245 सदस्य हैं और 5 सदस्य पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और इसमें से भी 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा से होते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, यह आर्टिकल 89 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति या सभापति होगा। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति उनका कार्यकाल ग्रहण करते हैं। और सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, ये ध्यान रखना है। और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी यानी वर्तमान संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो लद्दाख है, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ से ध्यान रखना ये सारी बातें। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर
लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है पूछा है इसमें, तो भारत का नागरिक होना चाहिए यह बताया है मैंने, 30 वर्ष की आयु से कम ना हो। तो मैंने अभी बताया है कि लोकसभा के सदस्यों की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों की आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, तो बी गलत हो जाएगा। पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए अथवा किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में, ऊपरी और निचले सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में, किसी में भी, दोनों में पारित होना चाहिए अलग अलग रूप से। तो ये ध्यान रखना है, दोनों में पारित होना अनिवार्य है संविधान संशोधन विधेयक को। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा के मैंने ऊपर अन्य नाम भी बताए हैं, वो सभी नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरी सदन को जाना जाता है राज्यसभा के रूप में और निम्न सदन को जाना जाता है लोकसभा के रूप में। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। और वर्तमान समय में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान समय में 245 सीटें हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के चुनाव हेतु तो अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए एक तिहाई सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो यह 2 वर्षों के पश्चात ऐसा होता है, एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और एक तिहाई सदस्य उनके स्थान पर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पर जो राज्यसभा होते हैं उसके जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस के संबंध में राज्यसभा के लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? मतलब राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार किस क्षेत्र में दिया गया है यहाँ पर? तो धन विधेयक ये लोकसभा के लिए होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक दोनों इसमें समान होते हैं, धन विधेयक। और यह जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है इसका अधिकार का जो लोकसभा से जो ज्यादा अधिकार दिए गए हैं यह राज्यसभा को दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा तक अब कोई भी कार्य ना करें? तो मैक्सिमम 14 दिनों तक लोकसभा से कोई भी धन विधेयक पारित होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास मैक्सिमम 14 दिन होते हैं, वह इसे पारित अगर 14 दिन के अंतर्गत नहीं करता है तो धन विधेयक को स्वतः ही पारित समझा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि 14 दिन मैक्सिमम दिए जाते हैं राज्यसभा को। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा को कौन भंग करने में सक्षम है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा को नामित करने का अधिकार दिया गया है। तो टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो अभी बताया मैंने, मैक्सिमम 14 दिन। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो इसमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद का भाग नहीं है, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वह संसद का भाग नहीं होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो अभी बताया मैंने, 6 महीने का अंतर होना चाहिए एक साल में,
दो सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संबंध में होती है, किस संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो संविधान संशोधन के विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जाता है, वित्त विधेयक के संबंध में नहीं किया जाता है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विधेयक में नहीं किया जाता है, साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है और इसका आह्वान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र के द्वारा उसका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार। संसद की कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए गणपूर्त यानी कोरम है? तो 1/10 सदस्यों का संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 1/10 सदस्य अगर आ जाते हैं तो कोरम जो होता है गणपूर्ति वह पूरा समझा जाता है और राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद की कार्यवाही शुरू की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। तो यह सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिटेल से जाना, नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही।